प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा दौरे पर हैं। वहां पर पीएम मोदी ने ओएनजीसी सर्वाइकल सेंटर और भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 को संबोधित करते हुए कहा कि इस वित्त वर्ष के पहले 6 महीने में भारत की जीडीपी दर 7.5% से अधिक हो गई है। भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हाल ही में IMF ने भी ये भविष्यवाणी की है कि हम ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। आज पूरी दुनिया के विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। बता दें, ONGC सर्वाइकल सेंटर से सालाना 10,000 से लेकर 15,000 कर्मियों को प्रशिक्षित करने की उम्मीद है। खराब मौसम की स्थिति में नकली और नियंत्रित अभ्यास प्रशिक्षुओं के समुद्री अस्तित्व कौशल को बढ़ाएंगे और इस प्रकार वास्तविक जीवन की आपदाओं से सुरक्षित जीवित रहने की संभावना बढ़ जाएगी। आइए सुनते हैं पीएम मोदी का संबोधन। रिफाइनर में से एक है, आज हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी 254 MMTPA से अधिक हो गई है। हमने 2030 तक भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी को 450 MMTPA तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। भारत पेट्रोकेमिकल और अन्य फिनिश प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में भी एक बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। मैं आपको ऐसे कई और उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन इन सारी बातों का मूल ये है कि भारत इस समय एनर्जी पर इतना निवेश कर रहा है जितना पहले कभी नहीं हुआ, और इसलिए आज दुनिया में ऑयल, गैस और एनर्जी सेक्टर से जुड़ा करीब करीब हर लीडर भारत में निवेश करना चाहता है। कितने ही लीडर्स इस समय मेरे सामने बैठे हुए हैं। हम पूरी गर्मजोशी से आपका भी स्वागत करते हैं। साथियों, सर्कुलर इकोनॉमी भारत की प्राचीन परंपरा का हिस्सा रही है। रीयूजिंग का कंसेप्ट भी हमारे जीने के तरीके से जुड़ा हुआ है, और ये बात एनर्जी सेक्टर से भी उतनी ही जुड़ी हुई है। पिछले वर्ष G20 समिट में हमने जिस ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस को शुरू किया था, इस अलायंस ने पूरे विश्व की सरकारों, संस्थाओं और इंडस्ट्रीज को एक साथ इकट्ठा कर दिया है। जब से ये अलायंस बना है, इसे व्यापक समर्थन मिल रहा है। बहुत कम समय में ही 22 देश और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस अलायंस से जुड़ गए हैं। इससे पूरे विश्व में बायोफ्यूल्स के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। इससे करीब आर्थिक संभावनाओं को बनाने में भी मदद मिलेगी। साथियों, अपने यहां भी भारत ने इस क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में बायोफ्यूल्स का, पहले हमारे यहां पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग 1.5% के आसपास थी। 2023 में ये 12% से अधिक हो गई है। इससे लगभग 42 मिलियन मैट्रिक टन कार्बन एमिशन घटा है। हम 2025% इथेनॉल ब्लेंडिंग करने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। आप में से कई लोग जानते होंगे, पिछले इंडिया एनर्जी वीक के दौरान ही भारत ने 80 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स पर
20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत की थी। अब हम देश के रहे साथियों, सरकार का प्रयास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वेस्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट के मॉडल पर नई गति देने का भी है। इसके लिए भारत में काम किया जा रहा है। साथियों, विश्व की 17% जनसंख्या वाला देश होने के बाद भी विश्व में भारत का कार्बन एमिशन शेयर सिर्फ 4% है। इसके बाद और बेहतर करने के लिए पर्यावरण के प्रति संवेदनशील एनर्जी सोर्सेज के विकास पर बल दे रहे हैं। 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। विश्व में चौथे स्थान पर है। हमारी इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, इसका 40% हिस्सा नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आता है। बीते एक दशक में भारत की सोलर एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 20 गुना से ज्यादा बढ़ी है। सौर ऊर्जा से जुड़ने का अभियान भारत में जन आंदोलन, भारत में एक और बड़े मिशन की शुरुआत हुई है। भारत में 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप लगाने की योजना को उसका ऐलान किया गया है। इससे हमारे 1 करोड़ परिवार उनके घरों में जो अतिरिक्त बिजली बनेगी उसे सीधे ग्रिड तक पहुंचाने की भी व्यवस्था की जा रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, भारत जैसे देश में इस योजना का आपके लिए भी इस पूरी सोलर वैल्यू चेन में निवेश की बहुत बड़ी संभावना बनने वाली है। साथियों, आज भारत ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी तेजी से कारण भारत जल्द ही हाइड्रोजन प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का केंद्र बनने वाला है। मुझे विश्वास है भारत का ग्रीन एनर्जी सेक्टर इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री दोनों को श्योर शॉर्ट विनर बना सकता है। साथियों, इंडिया एनर्जी वीक का यह आयोजन सिर्फ भारत का आयोजन नहीं है, ये आयोजन इंडिया विद द वर्ल्ड एंड इंडिया फॉर द वर्ल्ड इस भावना का प्रतिबिंब है। और इसलिए ये मंच आज एनर्जी सेक्टर से जुड़े विचार विमर्श और अनुभवों को साझा करने का मंच बन गया है। आइए एक दूसरे से सीखने पर, तकनीक की साझेदारी पर और सस्टेनेबल एनर्जी के नए रास्तों को तलाशने पर एक साथ आगे बढ़ते हैं। Let us learn from each other. Let us collaborate on cutting-edge technologies. And let us explore avenues for sustainable energy development. हम एक साथ मिलकर एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जो समृद्ध भी हो और जिसमें पर्यावरण का संरक्षण भी हो सके। मुझे विश्वास है कि यह मंच
हमारे प्रयासों का प्रतीक बनेगा। एक बार फिर मैं इस आयोजन के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।